नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। दिल्ली में निर्भया गैंगरेप कांड में मौत की सजा पाए दोषी विनय शर्मा ने तिहाड़ जेल में की खुदकुशी की कोशिश। दवाई खाकर गमछे से घोटा गला, दीनदयाल अस्पताल में कराया गया भर्ती, हालत गंभीर। कश्मीर को पटरी पर लाने के लिए राजनाथ सिंह के दौरे का आज आखिरी दिन, आते ही पीएम मोदी को सौंपेंगे रिपोर्ट। सूत्रों के मुताबिक सरकार लगा सकती है राज्यपाल शासन। महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का उल्लंघन, डोंबिवली में दही हांडी उत्सव में 20 फीट से ऊंचा बना पिरामिड। देश के 6 राज्यों में बाढ़ के हालात पर आज पीएम मोदी करेंगे मंथन। 7 RCR में सचिवों के साथ होगी बैठक, बाढ़ से अब तक कई लोगों की हो गई है मौत। देश भर में आज कृष्ण जन्माष्टमी की धूम, मथुरा वृंदावन में कान्हा के जन्मदिन की खास तैयारियां, मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। इटली में भूकंप से मरने वालों की संख्या 159 पहुंची, 368 से ज्यादा लोग जख्मी, 6.2 की तीव्रता वाले भूकंप ने दी थी दस्तक। रियो में मेडल नहीं जीत पाने पर योगेश्वर दत्त ने सोशल साइट पर जताया खेद, वीडियो जारी कर फैन से मांगी माफी, कहा हमेशा देश के लिए खेला हूं लेकिन इस बार उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, टोक्यो ओलंपिक में पदक लाने का किया वादा। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें, देखते रहिए डीबी लाइव क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।